आई बचो वारी वेरी वॉम वेलकम टू चैनल एंड आई एम यंग्लिश एडुकेटेड शुभ्रा मिश्रा आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन सो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर द टाइगर किंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बड़ी स्ट्रोंग थीम के साथ में ये चैप्टर आता है पर उस स्ट्रॉन्ग थीम को बड़े सटल ह्यूमर और सटायर के साथ में मिक्स करके कल ने हमारे लिए ये पेश किया है तो जल्दी से कल ओपी आप कर देंगे इस पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है पहले पार्ट की शुरुआत हम करते हैं जहां पर हमें बताया जाता है कि ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट कौन रहने वाले हैं चैप्टर के रहने वाले हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम तो प्रतिबंधपुरम के राज्य के राजा इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रोटैगनिस्ट रहने वाले हैं जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था उन्हें तो बहुत सारे नामों से जानते हैं लोग बट वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए टाइगर किंग के नाम से तो आखिरकार उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था वो हमें यहाँ पर पता चलेगा बट 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 अभी नहीं धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी जो है आगे बढ़ेगी और स्टोरी हमारे राइटर कह रहे हैं कि वो पूरी हमें सुनाने वाले हैं ये स्टोरी तो ऊपर से अगर आप इनके ऊपर बॉम्ब भी गिरा दोगे ना तो भी वो पूरी सुना कर जाएंगे कहीं पे भी बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं होने वाले हैं उन्होंने बोला यार आपको एकदम शुरुआत से बता देना चाहता हूं कि टाइगर किंग जो है टाइगर किंग की स्टोरी में एक चीज का बहुत महत्व है और वो एक चीज है उनकी मौत मैटर ऑफ डेथ ये जो है ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैटर ये, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था जब उनका जन्म हुआ था तभी बता दिया गया था कि उन्हें एक ना एक दिन मरना होगा उनका जन्म होते ही एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा the child will grow up to become the warrior of warriors hero of heroes champion of champions but उन्होंने बोला ये जो बच्चा है ये वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा ये हीरोज का हीरो बनेगा ये चैंपियंस का चैंपियन बनेगा लेकिन और फिर बस एकदम से उनके मान लो जैसे किसी ने होट सी दिए हों हाँ उन्होंने बोला बोला कि हम नहीं ये चीज बताना चाहते हैं पर क्या करें हमें फोर्स किया जा रहा है ये चीज बताने के लिए एंड फाइनली उन्होंने बता दिया कि इस स्टार के अंदर पैदा होने वाले बच्चे की एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी ठीक है तो ये जिस स्टार के अंदर पैदा हुआ है उस स्टार के अंदर इनकी एक ना एक दिन डेथ हो जाएगी बस उसी मोमेंट पे उसी मोमेंट पे मानो जैसे कि एक चमत्कार हो गया मानो जैसे कि एक चमत्कार हो गया और वो चमत्कार ये था कि दिन, दस दिन के जलानी जंग जंग बहादुर जो थे आ दस दिन का बच्चा दस दिन का बच्चा जो है वो बोल पड़ा और उसने बोला ओ वाइस प्रोफेट अरे ओ एस्ट्रोल अब सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिरकार ये कौन बोला तो वो बच्चा बोलता है अरे इधर देखो मैं बोला हाँ इधर देखो मैं बोला अब जैसे सारे लोग वहां देखते हैं उनका तो एकदम उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली exactly क्या वो सोचे क्योंकि ये बच्चा इतना सा कैसे बोल सकता है और बोल तो बोल इसके साथ में इतना क्लियरली सब कुछ प्रनंस कैसे कर सकता है हाँ? इतने क्लियरली शब्द इसके मुंह से कैसे निकल पे निकल के आ रहे हैं अभी जैसे ही यहाँ पे सारे लोग उस बच्चे को घूरने लगे तो उस बच्चे ने एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा एकदम से एकदम से एक बहुत ही समझदारी का सवाल पूछा और सवाल ये था कि हम सबको पता है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो एक ना एक दिन मरेगा अब इसके लिए हमें तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है तुम्हारे प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें कुछ बताना है तो यह बताओ कि आखिर मरूंगा कैसे है तो यह तो पता है कि ठीक है मेरी मौत हो जाएगी पर अगर तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी में दम है तो मुझे यह बताओ कि आखिरकार मैं मरूंगा कैसे अब ना तो सिर्फ ये सवाल जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल था बहुत ही लॉजिकल था बट कोर्स ये एक्चुअली एक ऐसा सवाल था जो दस दिन के बच्चे से भी आ रहा था तो सारी बड़ी चौका देने वाली बातें थी तो ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन था और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको आंसर करने का सोचा उन्होंने कहा द प्रिंस वॉज बोर्न इन दर ऑफ द बुल एंड टाइगर कि जो प्रिंस है ये जो राजकुमार है ये राजकुमार का जन्म कब हुआ है बुल के आर में हुआ है ठीक है कब हुआ है बुल के आर में हुआ है और बुल और टाइगर्स जो हैं, वो एनिमीज हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इसीलिए इसीलिए इनकी डेथ कैसे होने वाली है टाइगर से होने वाली है ओके okay. अब एकदम से आपने सोचा कि यार एक छोटे बच्चे को दस दिन के बच्चे को आप ये कहोगे कि तेरी मौत जो है वो टाइगर्स से होगी तो वो दस दिन का बच्चा तो एकदम से हक्का बक्का ही रह जाएगा ना वो तो यही सोचेगा कि अरे यार अब मैं क्या करूं टाइगर्स से मेरी मौत होने वाली है भागू छुपू या क्या करूं पर नहीं उस बच्चे ने मालूम है क्या कहा उसने कहा लेट टाइगर्स बीवेर अरे सावधान कर दो उन टाइगर्स को जो मेरी मौत के लिए आए हैं अब इसके बाद में तो ये जो बात है ये अफवाह की तरह इस तरीके से फैली जैसे किसी जंगल में आग अब यार बच्चों इस बात में कितनी सच्चाई थी इस बात में कितनी सच्चाई थी इस प्रोफेसी में कितनी सच्चाई थी ये तो वक्त ही बताने वाला था आ जाते हैं हम पार्ट टू पे जहां पे हमारे क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर की परवरिश हो रही है तो दिन बर दिन एकदम हट्टे कट्टे हो रहे हैं इसके साथ साथ उनकी परवरिश बस एकदम देश के अंदर बाकी जितने प्रिंसेस थे उन प्रिंस के जैसे ही हो रही है इंग्लिश काओ का दूध पीते थे इंग्लिश नैनी उनकी परवरिश करती थी इंग्लिश पढ़ाई जाती थी उन्हें इंग्लिश मैन के द्वारा इंग्लिश मूवीज देखते थे ये कुछ जैसे बाकी इंडियन स्टेट्स में चल रहा था वैसा ही इनके साथ भी हुआ अब जैसे ही हमारे बेचारे राजकुमार 20 साल के हो गए बेचारे इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग पर अहंकार आ जाता है ना जिसके जिसके दिमाग पे अहंकार राज करता है वो बेचारा ही होता है तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा तो ये हमारे जो राजकुमार है ये बीस साल के जैसे ही हो गए तो वैसे ही उनका राज तिलक कर दिया गया उन्हें सिंहासन संभला दिया गया अब जैसे ही उन्हें सिंहासन समझा दिया गया इतने में सारे लोग खुशफुसाने लगे सब बात करने लगे एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन के बारे में सब बात करने लगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्शन किया था कि एक ना एक दिन हमारे जंग जंग बहादुर की मौत होगी ही होगी और उन्होंने ये भी बताया था कि ये मौत टाइगर से होगी अब जबकि हमारे पास में ये प्रिडिक्शन और ये सब कुछ एकदम क्लियर था तो कोई दोहराई नहीं थी इस बात में कि महाराजा को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था लोग जैसे घुसपुसा रहे थे महाराजा के कानों पर भी ये बात पहुंची फिर क्या फिर महाराजा ने इसके रिस्पॉन्स में तय कर लिया था कि एक भी ऐसा टाइगर अब इस पूरे राज्य में नहीं बचेगा जो महाराजा को मार दे और उन्होंने अपने इस थॉट को बैक किया एक और सेइंग से एक कहावत से कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस बोला सेल्फ डिफेंस में तो एक गाय को मार दिया जा सकता है तो ये तो फिर भी टाइगर था इसे तो मैं मार ही सकता हूं तो महाराजा ने यही सोच के टाइगर हंट शुरू कर दिया महाराजा ने जब अपना पहला टाइगर मारा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुश होके उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए बुलावा भेजा बोला जल्दी से बुला के लेकर आ डेड बीस्ट अब इतने में जैसे ही उन्होंने उसको वो डेड बीस्ट दिखाया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा सर देखते ही देखते आप इसी तरह से 99 टाइगर्स मार देंगे मुझे पूरा यकीन है बट बोला लेकिन क्या बताओ बोला लेकिन ये अगर आप हंड्रेड टाइगर तक मतलब यहां पर हो सकता है कि आप सोवा टाइगर जो है वो सौवे टाइगर से आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा क्या हो अगर मैं सौवा टाइगर भी मार दू तो अगर आपने सोवा टाइगर मार दिया तो अपनी चोटी काट लूंगा मैं सच बता रहा हूँ अपने बाल छोटे छोटे करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा आग लगा दूंगा एस्ट्रोलॉजी की सारी की सारी किताबों में बस इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस ने कॉन्फिडेंस से उसने ये बात कही कि महाराजा के अंदर के अहंकार को एक भयंकर चैलेंज मिल गया उसने ये सोचा ही नहीं कि उसे सौ टाइगर तक पहुंचने की जरूरत ही क्या है उसने तो सिर्फ अपने उस अहंकार के चलते उस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित करने का ठान लिया और उस दिन से पुरम के टाइगर्स का तो मानो जैसे सेलिब्रेशन शुरू हो गया हो क्योंकि प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स को अगर किसी ने एक पत्थर भी मारा अगर एक पत्थर भी मार दिया ना तो उसकी सारी जमीन जायदाद जब्त हो जाएगी ऐसा डेक्लेन निकाला महाराजा ने टाइगर्स को क्या पता था कि इस डेक्लेन के पीछे एक ट्विस्ट था अगर महाराजा को छोड़ के यानी महाराजा ही टाइगर हंटिंग कर सकते हैं अगर महाराजा को छोड़कर किसी ने टाइगर्स पर एक पत्थर भी मारा तो उनकी जमीन जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी बेचारे टाइगर्स नाचते नाचते रुक गए लगता है anyway, अब इसके बाद में किंग ने शुरू कर दिया अपने एम्बिशन को की तरफ जाना उन्हें ऐसा नहीं है कि कभी कोई डेंजर्स का सामना ना करना पड़ा अरे कभी कभी तो ऐसा होता था कि बुलेट अपने मार्क को मिस कर देती थी, थी और वो जो टाइगर है वो टाइगर महाराजा के ऊपर छलांग लगा के आ जाता था और महाराजा अपने हाथों से ही उसे मार गिराते थे अरे हर बार महाराजा जीते जा रहे थे हर बार टाइगर हारे जा रहे थे एक बार तो उनके ऊपर उनके सिंहासन के ऊपर एक मुसीबत आ गई एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि वो टाइगर हंटिंग करना चाहता है प्रतिबंधपुरम में अब पुरम के अंदर ये जो टाइगर हंटिंग बैन थी इसके बारे में उसे पता नहीं था और जब उसे बताया गया तो उसने कहा कि कोई बात नहीं कि कोई बात नहीं आप ऐसा कीजिए कि टाइगर हंटिंग आप कर लीजिए मुझे सिर्फ एक फोटो क्लिक करने दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इसके इस टाइगर के साथ एक फोटो क्लिक करने दो तो महाराजा ने खूब सोचा और महाराजा ने कहा अभी तो मैं इसको अलाउ कर रहा हूं ठीक है टाइगर हंटिंग मैं कर रहा हूं पर अभी तो मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ फोटो के लिए पर जब ये फोटो कोई और देखेगा तो वो भी ये सोचेगा कि इसने यहां पर टाइगर हंटिंग की होगी फिर कोई और आएगा और 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 फिर फिर कोई कोई मैं कितने लोगों को मना करूंगा मैं कितने लोगों की तस्वीरें खींचूंगा महाराजा ने तय कर लिया था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे फिर क्या फिर महाराजा के सामने एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज था कि किस तरीके से उस ब्रिटिशर से पीछा छुड़वाया जाए बिना अपने थ्रोन को गवाए तो उन्होंने नाम पता है क्या किया उन्होंने फोन घुमाया बहुत ही कमाल के ज्वेलर्स को कलकत्ता में अब वहां जैसे ही उन्होंने फोन लगाया उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास जितनी भी डिजाइन की डायमंड रिंग्स है ना वो सारी की सारी इस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को भेज दो अब जैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को ये सारी की सारी आ, ये चले जाएंगे डायमंड रिंग्स चले जाएंगे वो जरूर पांच वहां से पिक करके और बाकी लौटा देगी पचास डिजाइन्स उसको भेजी गई ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने पचास की पचास रिंग्स रख ली और सिर्फ एक थैंक यू का नोट जो है वो महाराजा के पास भिजवा दिया अगले ही दिन महाराजा के पास में एक तीन लाख रुपए का बिल आ गया तीन लाख रुपए उनको कीमत चुकानी पड़ी अपने राज्य को बचाने की पर कोई बात नहीं कम से कम पीछा तो छूटा तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रहे थे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़कर भी वो हार नहीं मान रहे थे महाराजा की टाइगर हंटिंग ऐसे ही चलती रही और दस साल के अंदर वो 70 टाइगर मार भी ठीक इसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया जिस प्रॉब्लम के बारे में शायद महाराजा ने सोचा नहीं होगा और वो प्रॉब्लम ये था कि टाइगर पॉपुलेशन उनके राज्य में एक्सटिंक्ट हो गई भगवान जाने कि सारे के सारे टाइगर्स क्या फैमिली प्लानिंग कर रहे थे कि बच्चे दो ही अच्छे या फिर सबने मिलकर सुसाइड कर ली थी कि नहीं भाई इससे इसके आ, दो गोली से मरने से तो अच्छा है कि हम खुद अपनी जान दे दे अरे या फिर सारे के सारे इस राज्य से भागकर ब्रिटिश राज्य के अंदर चले गए कि नहीं मरेंगे तो ब्रिटिशर्स के हाथों मरेंगे नहीं तो नहीं मरेंगे हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था ये हाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टाइगर्स कहाँ चले गए थे All right, इसके बाद में अब महाराजा को गुस्सा आ रहा था महाराजा को लग रहा था कि यार मुझे तो अभी 100 टाइगर्स मारने थे अभी तो मैं 70 पर ही पहुंचा हूं क्या करूं उन्होंने तो दीवान के लिए बुलावा भेजा बोला दीवान साहब आपको पता नहीं है कि अपनी गन को चमकाते चमकाते बात कर रहे थे कहते दीवान साहब आपको पता नहीं है इस गन से अभी और कितने टाइगर्स मरने अब यार किसी के सामने गन रख दो और गन रख के उससे सवाल पूछो और जवाब वही होगा जो आप चाहते हो मरना नहीं है किसी को दीवान साहिब ने कहा अरे मेरे को पता है पर मैं टाइगर नहीं हूं मेरी तरफ मत करो इसको कोई बात नहीं दीवान साहिब की ये जो बात है ये बात सुन के उन्होंने कहा बोला मेरे को पता है कि तू टाइगर नहीं है मेरे को तेरे को मारने का भी नहीं है एक्चुअली मुझे क्या चाहिए उन्होंने कहा मुझे चाहिए कि तुम एक स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करो Highly tiger, मतलब जो बहुत ही ऐसे ऐसे पॉपुलेटेड हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स है टाइगर पॉपुलेशन के लिए है, वो स्टेट्स की लिस्ट निकालो फिर उनमें से देखो कि कौन से स्टेट के अंदर एक कुंवारी राजकुमारी है मतलब एक कुंवारी कन्या है राजकुमारी है जिनसे हम शादी कर सकते हैं वैसा ही किया दीवान ने दीवान ने टाइगर पॉपुलेटेड स्टेट्स की लिस्ट निकाली और वहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट था उसकी राजकुमारी से महाराजा ने शादी कर ली अब जब महाराजा ने उससे शादी कर ली तो अब महाराजा आराम से अपने ससुराल जाते अपने ससुर जी को पैरी पोना करते और चार पांच टाइगर्स मारकर आ जाते देखते ही देखते कुछ एक साल में 99 टाइगर स्किन्स प्रतिबंधपुरम के पैलेस पे लगा दी गई 99 टाइगर्स की स्किन प्रतिबंधपुरम के पैलेस की हॉल में सजाई गई थी अब रह गया था तो बस वो एक टाइगर महाराजा की एंजाइटी जो है अब वो बहुत बढ़ गई थी बहुत ज्यादा ठीक है क्योंकि अब बस एक टाइगर बचा था उनकी इस हंड्रेड की चाली में बस ये एक टाइगर महाराजा को रात दिन बस एक ही थॉट आता रहता अब ऐसे में वो सोचते कि यार ये एक टाइगर मुझे कहाँ से मिलेगा और अब वो टाइगर मिल भी तो नहीं रहा था उनके ससुराल के अंदर भी टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनके राज्य में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि आपको टाइगर का दूध आसानी से मिल जाएगा पर टाइगर नहीं मिलेगा महाराजा तो यही सोचते रहते कि बस मुझे ये सौवा टाइगर मिल जाए इसे मैं मार दूं, मेरे सारे डर खत्म हो जाएंगे मैं टाइगर हंटिंग जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा बट उन्हें वो सौवा टाइगर नहीं मिल रहा था उन्हें याद आई उस लेट एस्ट्रोलॉजर की बात कि 99 टाइगर्स आप आसानी से मार लोगे बट सोवा टाइगर आपको परेशानी देगा और वही हो रहा था वही हो रहा था महाराजा बहुत ही ज्यादा सैड हो गए और इसी सैडनेस के बीच में आई एक खुशखबरी खुशखबरी ये थी कि उनके ही राज्य के किसी गांव के अंदर भेड़ जो है वो गायब हो रही थी वैसे तो उस गांव में रहने वाले दो ऐसे आदमी थे जो भेड़ों को कच्चा चबा जाते थे पर ये काम उनका नहीं था जिसका मतलब ये था कि जरूर कोई ना कोई टाइगर यहाँ पर है कोई ना कोई टाइगर इन भेड़ों को खा रहा है फिर क्या फिर महाराजा वहां पर हंटिंग के लिए चले गए अफकोर्स क्योंकि विलेजर्स ने उन्हें ये खुशखबरी दी थी तो महाराजा ने उनके लिए थ्री इयर्स का टैक्सेस से एग्जेम्शन भी अनाउंस कर दिया अब महाराजा वहां पर बहुत इंतजार कर रहे थे बड़े पेशेंस के साथ में महाराजा को अब सोवा टाइगर मारना ही था बट जैसे जैसे दिन गुजरते गए और वो सोवा टाइगर उन्हें कहीं नहीं दिखा उनका गुस्सा और बढ़ता गया और बढ़ता गया इस गुस्से के चक्कर में न जाने कितने सारे लोगों की नौकरी भी चली गई अरे एक दिन तो उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने दीवान को बुलाकर कहा कि लैंड टैक्स को डबल कर दो ये लैंड टैक्स डबल कर दो जब तक मेरे को अब मेरा कौँग टाइगर नहीं मिलेगा सब दुगना लैंड टैक्स देंगे दीवान ने कहा अरे सर अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो ये सारे लोग आपसे अनहैप्पी हो जाएंगे और राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा महाराजा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसकी एक ना सुनी और कहा फिर तू ऐसा कर तू रिजाइन कर दे दीवान साहिब किसी ऐसे परेशानी के लिए तैयार थे उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर रखी थी इस सौवे टाइगर के लिए उन्हें पता था कि अगर ये सौवा टाइगर आसानी से नहीं मिलता है तो महाराजा ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और इसीलिए पीपल्स पार्क पीपल्स पार्क नाम के एक जू से जाके मद्रास में एक जू था उस जू से जाके एक टाइगर को पहले ही ले आए थे अब ये जो टाइगर उन्होंने अपने घर में छुपा रखा था इस टाइगर को वो आधी रात को अपनी बूढ़ी बीवी के साथ में कैसे जैसे अपनी कार में भर कर और वहीं ले जाते हैं जहां जा महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं अब जैसे ये लोग फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो मानो जैसे टाइगर सत्याग्रह कर देता कहते मैं नहीं उतरूंगा मैंने नहीं उतरना कैसे जैसे उसे धकेल के बाहर निकाला जाता है और वो टाइगर अपने आप महाराजा के सामने जाकर ऐसे प्रस्तुत हो जाता है जैसे कि वो ये कह रहा हो कि लो महाराजा आ गया मैं हाँ अच्छा शूट करना है कर लो कोई टेंशन नहीं है एकदम ऐसे but anyway जब महाराजा ने उसको देखा तो महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उन्होंने उसे उस पे एम किया और शूट कर दिया टाइगर एक कचरे के ढेर के अंदर गिर गया और महाराजा बहुत खुश हो गए महाराजा ने कहा कि अब तो उन्हें एक ग्रैंड प्रोसेशन रखना है और हंटर्स को कहा इस टाइगर को लेकर जल्द से जल्द आ जाओ और मैं जा रहा हूं अब वो चले गए अपने पैलेस के तरफ उस टाइगर को हंटर्स के भरोसे छोड़ के अब जब हंटर्स वहां जाते हैं और जाकर उस टाइगर को बड़े करीब से देखते हैं रियलाइज होता है कि यह टाइगर मरा नहीं है यह टाइगर जरूर बुलेट की आवाज से बेहोश हो गया था पर यह मरा नहीं है क्योंकि उस टाइगर को देखते हैं तो वो टाइगर अपनी आंखें रोल करता है थड़ू उन्हें पता है कि अब अगर महाराजा को इसके बारे में बताया तो महाराजा हमें नहीं छोड़ेंगे ठीक है इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे मार दें वो एम करते हैं और इस बार निशाना नहीं चूकता है और टाइगर मर जाता है एक खतरनाक सेलिब्रेशन प्रोसेशन के बाद में टाइगर के को एक टूम्ब बना के एक, -एक टूम्ब बना के टाइगर को वहां पे दफना दिया जाता है और महाराजा अपने सौ टाइगर मारने के प्रण को पूरा कर लेते अभी तक महाराजा सिर्फ यही तो कर रहे थे सौ टाइगर मारने सौ टाइगर मारने इस चक्कर में ना तो उन्होंने कभी राज्य पे ध्यान दिया ना प्रजा पे ध्यान दिया और ना ही अपने तीन साल के बेटे पे ध्यान दिया उनके बेटे का जन्मदिन था और वो आज उसे कोई तोहफा देना चाहते थे शॉपिंग सेंटर गए तो कुछ नहीं मिल रहा था और इतने में एक टॉय शॉप पे उन्हें एक वुडन टाइगर मिला ये वुडन टाइगर तो उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट होने वाला था, ऐसा महाराजा ने सोचा थोड़ी बार्गेनिंग करके उस टाइगर को फ्री में हासिल करने के बाद महाराजा उस टाइगर को अपने घर ले गए और प्रिंस के साथ वो खूब खेले वो टाइगर किसी अच्छे क्राफ्टमैन ने नहीं बनाया था कारपेंटर ने नहीं बनाया था इनफैक्ट वो टाइगर किसी नौ सीखिए कारपेंटर ने बनाया था जिसकी वजह से उसमें से बहुत बांस निकल रही थी बहुत यू नो ऐसे स्लीवर्स निकल रहे थे वुड के और वही वै, वैसा ही एक स्लीवर जो है वो उनके हाथ में चुप जाता है और जैसे ही उनके हाथ में वो स्लीवर चुभ जाता है वो फटाफट से उसे निकाल के और खेलने लग जाते हैं उन्हें क्या पता था कि स्लीवर जान लेवा हो सकता है क्योंकि अब उनके हाथ में पस पड़ जाती है इतना खराब हो जाता है उनका हाथ के मद्रास से कुछ सर्जन को बुलाया जाता है उनकी सर्जरी के लिए वो सर्जन आते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है वो बाहर आते हैं और कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है टाइगर किंग मर चुके है? ये क्या हो गया मैम जी हाँ ये आयरनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आयरनी है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है टाइगर किंग मर चुके हैं सोवे टाइगर ने अपना बदला ले लिया है इतना परेशान हो गए थे लोग टाइगर किंग से इतना परेशान हो गए थे कि उनका मरना ज्यादा बेटर था ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन था बजाय उनके एक्चुअली uh, कह सकती हूँ जीने के क्योंकि लोग इतना परेशान हो गए थे एक ऐसे महाराजा से जो सिर्फ अपने बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं एक ऐसे महाराजा से जो इतना अहंकारी है कि उसे लगता है कि यू नो इस दुनिया के अंदर पावर का कोई लिमिट नहीं है कि उसे लगता है कि इस दुनिया के अंदर जिंदगी का कोई लिमिट नहीं है उसे लगता है कि हर वो अमर हो सकता है उसके पास ढेर सारा पावर है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये साबित कर दिया सोवे टाइगर ने सोवे टाइगर ने चाहे वो जिंदा ना हो अपने सारे मरे हुए टाइगर्स का बदला ले लिया इसके साथ में कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर द टाइगर किंग जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को कभी कभी अहंकार हो जाता है और हमारे आंखों के सामने वो पर्दा आ जाता है जो कि हमें मूर्ख बना देता है फूल बना देता है और उसमें हम बहुत ही फुलिश डिसीजंस लेते हैं और वो जो डिसीजंस है उन डिसीजन का हर जाना जो है हमें ऐसे भुगतना पड़ता है तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है चाहे वो कुछ भी हो एवरी थिंग इज़ टेम्प्ररी चाहे वो आपकी लाइफ हो चाहे आपके पास पावर हो तो बहुत ज़रूरी है ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है अपने आज में जीना लोगों के बारे में सोचना ना कि सिर्फ़ अपने ही अपने बारे में सोचना दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर अब ये चैप्टर तो आपने मेरे साथ में कंप्लीट कर लिया है बट अगर आप सीयू टी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सी यू ई टी की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए निकाला एक बहुत ही कमाल का बैच जिसका नाम है तेजस्वी बैच ये बैच आपके लिए बनाया गया है उन सारे बच्चों के लिए बनाया गया है जो सिलेक्शन चाहते ही चाहते हैं क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ तेजस्वी बैच से होने वाला है अगर आप भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और इसके साथ में आपको बता देती हूँ कि मेरी सारी एस डी सी एन आर्मी जो है सारे एस डी सी एन जो हैं वो एस डी सी एटीन कोड लगा के बैच में रजिस्टर कर सकते हैं इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट है ना आपको पता है त्यौहार का मौसम है तो एक बहुत ही अच्छा मौका और दस्तूर भी है क्योंकि ऐसा ऐसे मौके कमी मिलते हैं जब आपको काफ़ी यूज डिस्काउंट मिल रहा होता है और अभी मिल रहा है तो प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए और फटाफट से रजिस्टर कीजिए एल सी यू इन द नेक्स्ट वन यू नो द ड्रिल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय